by Manjeet. How are you all? I hope you all are doing good. So today in this video, I'm going to share with you my huge Amazon haul. तो मैं Amazon haul video लेकर आई हूँ. आप लोगों के साथ share करने वाली हूँ आज कि मैंने Amazon से क्या क्या purchase किया है. Actually मैंने बहुत सारी चीज़ें Amazon से purchase की हैं and video pending पड़ी थी. बहुत time से मैं shoot नहीं कर पा रही थी. So आज finally मैं आप लोगों के साथ share करूँगी कि मैंने क्या क्या चीज़ें purchase की हैं. तो starting करते हैं. सारे detail मैं आप लोगों के साथ share करूँगी आज की. मैंने लिया क्या क्या है एक्चुअली, तो मैं आपको वन बाय वन करके दिखाती हूँ. सो गाइस, दिस इज़ माय फर्स्ट परचेज, माय हेयर डमी जो मैंने परचेज की है. वर्जिनहॉलिक्स की आई थिंक इसकी ब्रांड है. सो मुझे प्रॉपर याद नहीं है, मैं स्क्रीन पे मेंशन करूँगी जो भी ब्रांड की डिटेल होगी या फिर प्राइसेस वगैरह जो भी है मैं स्क्रीन पे मेंशन करूँगी. एंड गाइस, दिस इज़ 100% ह्यूमन हेयर्स. आप देख सकते हैं बिल्कुल ही नेचुरल बाल हैं इसके, जिससे हमारे होते हैं जिस तरीके के, बिल्कुल ह्यूमन हेयर्स हैं इसके. लेंथ बहुत ज़्यादा शॉर्ट नहीं है, बहुत ज़्यादा लॉन्ग नहीं है, मीडियम हेयर्स हैं. बहुत ही ब्यूटीफुल, देखिए मैंने हेयर स्टाइल किया था अपनी लास्ट हेयर स्टाइल वाली वीडियो में. सो आप देख सकते हैं ये हेयर डमी मैंने परचेज की है. एंड इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगी या फिर स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी. आप देखिए डिटेल. और आई थिंक इसका प्राइस था 4000 के समथिंग. सो नेक्स्ट जो प्रोडक्ट मैंने परचेज किया है वो है दिस डमी स्टैंड. देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा सॉलिड वाला स्टैंड है ये. सो सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज गाइस. सो दिस इज़ अ डमी स्टैंड एंड जो इसका प्राइस है अप्रॉक्सीमेटली 2000 के समथिंग है. और ब्रांड दोनों के सेम है, वर्जिनहॉलिक्स, इफ आई एम नॉट प्रोनाउंसिंग रॉन्ग. सो वर्जिनहॉलिक्स का है, दोनों के ब्रांड सेम है एंड प्राइसेस मैं सही बता रही हूँ. और नेक्स्ट परचेज मेरी है एक क्रीम पर. जी हाँ, देख सकते हो आप, इस ब्रांड का है ये स्टार ABS प्रो अ ब्यूटी सॉल्यूशन, इसके ऊपर लिखा हुआ है. ओके, जो इसका प्राइस है 700 के समथिंग है, बट मैंने अभी तक इसको यूज़ नहीं किया है. आपको दिखा देती हूँ ये इसकी क्या पैकेजिंग है. ओके, ये देखिए आप किस तरीके से बिल्कुल अभी न्यू परचेज है मेरी. मैंने इसे अभी तक यूज़ नहीं किया है, खोला भी नहीं, एक्चुअली ओन भी करके नहीं देखा है. किस तरीके से वर्क करेगा आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी अपना एक्सपीरियंस आफ्टर यूजिंग दिस. ओके ओके गाइस, सो नेक्स्ट प्रोडक्ट जो मैंने परचेज़ किया है वो है ये नोवा का हेयर ड्रायर. आप देख सकते हो इसको मैंने यूज़ किया है एंड अमेजिंग इसके रिजल्ट्स हैं. कोल्ड और हॉट दोनों तरीके की एयर आपको मिल जाती है, बहुत जल्दी आपके बाल ड्राई हो जाते हैं. बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस, आई थिंक 400 में आपको मिल जाएगा डिस्काउंट के बाद. और नो डिस्काउंट के बाद या 400 का आपको मिल जाएगा. वैसे इसका जो प्राइस है वो 845 का है और मैंने इसको बहुत अच्छे खासे डिस्काउंट में परचेज़ किया था. तो इसके बाद मैंने लाइट्स परचेज की थी. आप पीछे देख सकते हो कि जो लाइट्स लगी हुई हैं, ये जो लाइट्स हैं बीज वाली लाइट्स हैं, हनी बी वाली. लेट मी शो यू. देखिए गाइस, आप लाइट्स देख सकते हैं, ऊपर भी मैं आपको दिखाती हूँ. तो गाइस ये देखिए, तो गाइज़ देखिए ये जो लाइट्स हैं ये मैंने अमेजोन से परचेज़ की हैं. मैं स्क्रीन पर आपको मेंशन करूँगी कि मैंने कौन कौन सी लाइट्स परचेज़ की हैं. और आई थिंक ये सारी लाइट्स मैंने अमेजोन से ही परचेज़ की हैं. कि जैसे आप हेयर स्टाइलिंग करते हैं और आपके पास हेयर एसेसरी ना हो तो आपका हेयर स्टाइल अधूरा है. मैंने बहुत सारी हेयर एसेसरीज भी परचेज़ की हैं, लाइक मिस कचरा एक रेड के कॉम्बिनेशन में है एंड आपको एक प्योर वाइट मिल जाएगा. बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है कुछ ट्रेडिशनल हेयर स्टाइल करना हो, बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है ये बन हेयर स्टाइल में. ओके गाइस, सो नेक्स्ट हेयर एसेसरी दिस सिल्वर स्टोन्स में है. बहुत ही ब्यूटीफुल प्रिटी हेयर एसेसरी है. आप बन बना के कर सकते हो, आप यू नो ब्रेड बना के कर सकते हो, आप इस तरीके से ओपन हेयर्स में भी इसको यूज़ कर सकते हो. बहुत सारे तरीके हैं इस तरीके की हेयर एसेसरीज को यूज़ करने के. सो नेक्स्ट देखते हैं. सो नेक्स्ट हेयर एसेसरी है गाइस दिस ब्यूटीफुल से फ्लावर्स ऑफ ए पीस आपको इसमें मिल जाएंगे. आई थिंक बहुत ही ब्यूटीफुल है, लेट मी शो यू. सो आप देख सकते हैं इस तरीके के फ्लावर्स हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल छोटे छोटे से ए फ्लावर्स आपको मिल जाएंगे. इसके प्राइजेस जो है मैं स्क्रीन पर मैंशन कर दूँगी. आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल लगेगा अगर आप ओपन हेयर स्टाइल में से यूज़ करते हो या फिर आप इसे बन बना कर यूज़ करते हो. बहुत ही ब्यूटीफुल लगने वाली है ये हेयर एसेसरी, लव इट.
गाइस नेक्स्ट हेयर एक्सेसरी जो है वो तो मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट वाली है। देखिए बहुत ब्यूटीफुल है, मैं आपको दिखाती हूँ ओपन करके। ये देखिए इस तरीके की तार में बंधी हुई है गाइस। देखिए इसके आपको स्टोन में मिल जाएंगे, इसमें आपको इस तरीके का वर्क मिलेगा। कितना ब्यूटीफुल है इसमें डिज़ाइन। आप इसे ओपन हेयर्स में यूज़ कर सकते हो, आप इसे ब्रेड में यूज़ कर सकते हो इस तरीके से लपेट कर, और आप इसे बन में भी यूज़ कर सकते हो। ये इस तरीके की हेयर एक्सेसरी है और इसका प्राइस जहाँ तक मुझे याद है 350 रुपीज़ के समथिंग है। देखिए कितना ब्यूटीफुल हेयर एक्सेसरी है। तो नेक्स्ट गाइस मैंने ये वाली हेयर एक्सेसरी परचेज की है। एक्चुअली ये भी बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल वाली हेयर एक्सेसरी है, आप देख सकते हैं रेड कलर में है। इसमें आपको इस तरीके के मोती का वर्क मिल जाएगा, बहुत ही सुंदर है। मैं आपको दिखाती हूँ गाइस, देखिए इस तरीके की हेयर एक्सेसरी है ये। अगर आपने बन बनाया है आप उसके साइड में लगा सकते हो, ऊपर इस तरीके से लगा सकते हो। सो बहुत ही सुंदर लगता है, आप साइड में लगा सकते हो। इसके साथ आप अलग अलग हेयर स्टाइल्स कर सकते हो। मुझे हेयर एक्सेसरी बहुत ही पसंद आई है। ओके गाइस, तो उसके बाद मैंने इस तरीके की हेयर क्लिप्स मंगवाई थी। इसका 299 प्राइस है और आई थिंक मैंने इसे इसी प्राइस में परचेज़ किया है। तो इस तरीके की हेयर क्लिप्स आपको बहुत ज़्यादा यूज़ करनी पड़ती है जब आप हेयर स्टाइलिंग करते हो, तो आपको ये लेनी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो नेक्स्ट प्रोडक्ट है ये, मैंने परचेज़ किया है हेयर स्टाइल न्यू कॉम्बो जो हीका का है आई थिंक। तो ये परचेज़ किया है मैंने, इसमें वॉल्यूम हेयर बेस वगैरह है, इसमें वो आपको मिल जाएगी। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है जब आप हेयर स्टाइल करते हो। तो ये मैंने पूरा का पूरा परचेज़ किया है। इसको ओपन करके नहीं दिखाऊंगी, अपनी शॉर्ट्स वीडियो में दिखाऊंगी आपको हर एक चीज़ डिटेल में, बहुत लंबी हो जाएगी अदरवाइज़ ये वीडियो। सो इसलिए मैं डिटेल में नहीं दिखा रही हूँ। उसके बाद मैंने परचेज़ किया है कुछ रैंडम चीज़ें जैसे कि घर की जूसर वगैरह और ओके सो लेट मी शो यू। मैंने कलर परचेज़ किए हैं, क्रेयॉन्स हैं ये बेबीज़ के लिए। अगर आपके बेबीज़ हैं तो आप ये ले सकते हैं अमेज़ॉन से, बहुत ही अच्छी क्वालिटी के रिसीव हुए मुझे। और ये है कैमल के, इसका जो प्राइस है वो भी मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूँगी। तो उसके अलावा मैंने ये द डॉम्स पेंसिल स्मार्ट किट परचेज़ की है, आप ये परचेज़ कर सकते हो। गिफ्टिंग के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है बेबीज़ के लिए, अगर आपके बेबीज़ हैं या फिर आप किसी को गिफ्ट देना चाहते हो तो बहुत अच्छा ऑप्शन है। इसकी भी प्राइस जो है स्क्रीन पर मेंशन कर दूँगी। आई थिंक 500 की है ये, बट मुझे डिस्काउंट पर मिली थी 400 की समथिंग। सो या ओके गाइस, तो इसके बाद मैंने परचेज़ किया है अमेज़ॉन बेसिक्स का ट्राइपॉड जिसे कि मैं इस टाइम शूट कर रही हूँ, तो मैं आपको नहीं दिखा पाऊँगी। स्क्रीन पर आप लोग देख लीजिए, आपको दिखाई दे रहा होगा। बट उसके साथ जो है इस तरीके की क्लिप नहीं आती है जो फ़ोन को इसमें अटैच करते हैं, सो आपको ये अलग से लेनी पड़ेगी। तो आप देख कर लीजिए अगर आप लेना चाहते हैं तो ये वाला ट्राइपॉड, उसके साथ आपको ये अलग से परचेज़ करनी पड़ेगी। मैंने अलग से परचेज़ की है, ये वाली न्यू नहीं है, न्यू मैं यूज़ कर रही हूँ, बट इस तरीके की क्लिप मैंने परचेज़ की है तो मैं आपको दिखा रही हूँ। ओके गाइस, सो दिस इज़ माय ह्यूज हॉल, बट मैंने बहुत ही शॉर्ट तरीके से आपको दिखाया सब कुछ, मैंने डिटेल में नहीं दिखाया है बिकॉज मैं बाद में डिटेल आपको दूंगी शॉर्ट्स वीडियो में हर एक चीज़ की। मैं अलग से इन सबके रिव्यूज़ आप लोग के साथ शेयर करूंगी। आज मैंने जल्दी जल्दी में आप लोग के साथ इस वीडियो को शेयर किया है, सो प्लीज़ वीडियो को प्यार दीजिएगा। अगर पसंद आई है तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू विल नेवर मिस आउट माई एनी अपडेट। एंड आपको मेकअप लुक कैसा लग रहा है प्लीज़ कॉमेंट डाउन करके जरूर बताइएगा। अच्छा रहा है तो प्लीज लाइक कीजिए वीडियो को, ओके शेयर जरूर कीजिएगा। आई विल सी यू माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।